हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप देख रहे हैं मेरे चैनल मॉम ब्यूटी शालू। और गाइस, आज का जो वीडियो है, जैसे कि बहुत सारे लोग बना रहे हैं वीडियो, तो मैंने सोचा ऐसे ही मैं भी वीडियोस बना दूं। बट गाइस, मैं सच बता रही हूँ एक बात, शायद आपको अच्छी लगे या नहीं लगे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। गाइस, ऐसा नहीं होता कि कोई भी बड़ा जो पार्लर होता है वो अच्छा मतलब कर सके मेकअप, और ऐसा नहीं होता कि छोटा बड़ा पार्लर होता है। ये अपनी खुद की ही क्रिएटिविटी होती है किस तरीके से मेकअप किया जाए। तो मैं वही क्रिएटिविटी को आज दिखाना चाह रही हूँ आपको कि मेरी फ्रेंड जो है उन्होंने पार्लर सीखा हुआ है, क्योंकि मैं कोई भी पार्लर में नहीं गई हूँ। मैंने देखा कि वहाँ पर ऐसे ही बुरे से मेकअप के जो चार्ज कर रहे हैं वो कर रहे हैं, मतलब जो भी है लोकेलिटी को देख कर ही चार्ज करते हैं गाइस। 1200 रुपीज़ ऐसा कुछ चार्ज कर रहे हैं। तो मेरे को मतलब समझ नहीं आया कुछ भी कि कैसा करवाना चाहिए। तो मैंने सोचा कि मेरी जो फ्रेंड है मैं उन्हीं से मेकअप करवा देती हूँ, क्योंकि उन्होंने सीखा हुआ है थोड़ा सा, तो देखते हैं कैसा मेकअप वो करती हैं। और आगे फ्यूचर में तो वो अपनी शॉप खोल ही लेंगी, तो इसीलिए मैंने सोचा उन्हीं से मेकअप करवा लिया जाए। तो आज मैं उनके साथ, बट गाइज उन्होंने अपना चेहरा नहीं दिखाया क्योंकि वो एक हाउसवाइफ हैं, तो वो अपना चेहरा नहीं दिखा सकती हैं क्योंकि यूट्यूब पे कई कई लोगों को ऑब्जेक्शन होता है इसीलिए। तो मैं उनको चेहरा नहीं दिखा रही हूँ आपको, और उनका मेकअप देखिएगा आप, क्योंकि चेहरे से ज़्यादा मेकअप बोलता है गाइज। तो बस, और हम शुरू करते हैं मेकअप। और अगर ये मेकअप आपको पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मेरे वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। और गाइज, मेरा बोलने का तरीका आपको पता नहीं अच्छा लगा होगा नहीं लगा होगा, क्योंकि मैं पार्लर में जाके ये मेकअप नहीं किया है, मैं आपको पहले ही बता देती हूँ। लेकिन पार्लर जैसा ही मेकअप अगर आपको कम प्राइस में मिल जाए तो वो क्या बात है। और अगर आप मान लो बड़े पार्लर में गए हो और अगर वहाँ पर आपका बुरा मेकअप हो गया, तो मेरे तो बस बंटे लग गए 1200 रुपये के, तो इसे मैंने नहीं कराया वहाँ पर। तो मेरे दिमाग में आया कि मेरी एक फ्रेंड है तो मैं उन्हीं से क्यों ना मेकअप करवा लूँ। तो बस हम यही बातचीत करते हुए, और थोड़ा सा ही चिट चैट वीडियो हो जाएगा ये, तो बस हम शुरू करते हैं वीडियो। चलो देखते हैं मेरी फ्रेंड ने क्या सीखा है, पता तो चलेगा थोड़ा सा। अभी सीख रही हैं, अभी बहुत जल्दी अपना पार्लर खोलेंगे। मुझे तो आता ही नहीं है क्या करूं, ऐसे यूट्यूब चैनल खोल के बैठी। ये क्या लगा रही है? कौन देता है तुम्हारे को? अपने पास से ले जाते हो? वहीं से मिलता है। वहीं से मिलने लग गया आजकल? हमें तो नहीं मिलता था जब हम सीखते थे, अपना ही खरीदते थे हम। ये ब्रश कितने का लिया? मेरे पास भी ऐसा ब्रश है। क्या फैक्ट्री से मिलते हैं ऐसे ब्रश? यार एक बात है, अपने से मेकअप करो ना तो सही रहता है, मतलब
से लेजी नहीं लगता है इंसान को, और दूसरा वो करता है ना तो मुझे बहुत ज्यादा नींद सी आती है मेकअप कराने में। बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट भी करते हैं कि अपनी बेटी से एक बार ही मेकअप करवा।